इस समय हम लोग खड़े हैं इंदिरा स्टेडियम में, पीछे मेरे आप ग्राउंड देख रहे होंगे। इस समय शाम का समय है और बहुत सारे लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चारों तरफ टहल रहे हैं, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि इस स्टेडियम का मेंटेनेंस कैसा हो रहा है। आप तो जानती हैं कुछ ना कुछ शुल्क लिया जा रहा है, शायद 200 रुपीज़ पर मंथ ऐसा कुछ है शुल्क, लेकिन शुल्क ही लिया जा रहा है, मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। चारों तरफ ग्राउंड में देखेंगे गंदगी पसरी हुई है और धीरे धीरे ये जो टाइल्स लगे हुए हैं उखड़ते जा रहे हैं, इनका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। और कुछ आने वाले समय में मुझे लगता है ये जो पीछे ये आपको बाउंड्री दिख रही है ना, ये भी टूटने की कगार पे है कई जगहों पे। तो पॉइंट ये है कि आप पैसे लीजिए लेकिन मेंटेनेंस भी तो कीजिए, उस पैसे का क्या यूज हो रहा है, अब ये बड़ा विषय है जानने का। मैं दरअसल इंदिरा स्टेडियम के बाहर की तरफ खड़ा हूँ क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ अंदर जा सकूँ, मैंने शुल्क नहीं दिया है। हमारे साथ जो विजिटर्स हैं जो यहाँ पर डेली आते हैं वो बताएंगे। सर कितना शुल्क आपका लगता है यहाँ आने? यहाँ पर शुरू में स्टार्टिंग में अपने जो कार्ड बनवाना पड़ता है तो 400 रुपया लिया जाता है। 400 रुपया में 200 रुपया कार्ड का रहता है और 200 रुपया मंथली रहता है। अच्छा, और उसके बाद प्रति माह 200 रुपया शुल्क लिया जाता है। तो आप डेली आते हैं यहाँ पे? हाँ, हम डेली आते हैं, पर ऐसा है कभी कभार गैप भी होता है तो चल जाता है। अच्छा। पर ज्यादातर आते हैं सुबह। अच्छा, अक्सर जैसे हमने देखा है कि संडे सैटरडे को या छुट्टियों के दिनों में बंद रहता है। नहीं, सैटरडे को मॉर्निंग को खुलता है। ओके। और इवनिंग को बंद रहता है बस। अच्छा, छुट्टियों में भी जैसे होली का हो गया, ग्राउंड खराब हो तो उस अवस्था में बंद होते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर छुट्टियों में या इस तरह से संडे को बंद करना तर्कसंगत लगता है आपको, चूंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। अब ऐसा है कानून के हिसाब से कर्मचारी को भी छुट्टी चाहिए जी। अब 7 दिन तो कोई भी वर्क करता नहीं है हफ्ता में। हाँ जी, हाँ ये है कि उसके जगह दूसरे को लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो संडे को हाफ टाइम भी रहता है तो वो भी चालू होना चाहिए। मैदान में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो चारों तरफ आपको गंदगी ही नज़र आएगी। इसे देखकर लगता तो नहीं है कि 200 रुपये जो वसूल रहे हैं, जो ले रहे हैं शुल्क के नाम पर, उसका कुछ उपयोग इस मैदान के रखरखाव में होता होगा।